आप सब लोग जब रामाधार जी का नाम आया और जब वो खड़े हुए बोलने के लिए, तो जो आपने नारे लगाए और जो आपने जिस जोश के साथ ताली बजाई, उसने मुझे ये बता दिया कि आपने तय कर लिया है कि आपका प्रत्याशी रामाधार जी विजयी हो रहे हैं। यह बात स्पष्ट है। लेकिन मित्रों, रामाधार जी के ही जीतने का सवाल नहीं है, ये सवाल औरंगाबाद बिहार को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसका तय करने का समय है। इसलिए प्रत्याशी तो आप जिताएंगे जिताएंगे, लेकिन मैं आपसे विशेष विनती करने आया हूं कि आप अपने परिवार, अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस सभी सीटों पर सबसे निवेदन करें, क्योंकि यह सवाल रामाधार जी का नहीं है, यह सवाल आने वाले समय में बिहार के विकास का है। इस बात को हमको समझना चाहिए और हम इस बात को पूरी शिद्दत के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि चुनाव आज जब हमारे वक्ता खड़े होते हैं तो वो विकास के बारे में चर्चा करते हैं। रामाधार जी ने चर्चा की, मैं ये करूंगा, मैं वो औद्योगिक नगरी लाऊंगा, मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। रविशंकर जी ने आपके सामने बताया कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, किस तरीके से आज 2 लाख गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है, किस तरीके से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के तहत गांव को डिजिटल बना दिया है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर CSC लगभग 3 लाख से ऊपर बना दिए हैं। सबने विकास की कहानी की, लेकिन मित्रों याद रखना कि यही बिहार की धरती पर 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा उ जात बा, हम गंगा के ई पार बा हम गंगा के उ पार बा, हम हिंदू बा मुसलमान बा, करते थे कि नहीं करते थे बताइए? समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल चरित्र संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको अगर इसको आगे बढ़ाना है, अगर हमको भारत और देश को साथ बिहार को आगे बढ़ाना है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि NDA के कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को विजय हासिल कराना। अभी आपने सुना होगा पिछली बार मोदी जी 2015 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? तो उस समय हमारे विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था क्योंकि चुनाव करके वायदे भूलना ये उनकी आदत थी, ये उनकी फितरत थी, उनको लगता था कि मोदी जी भी वैसा ही करेंगे। लेकिन मित्रों आज मैं जब आपके सामने आया हूं तो 1,25,000 करोड़ नहीं, उसमें 40,000 करोड़ रुपए और मिला करके बताना चाहता हूं कि इतना पैसा मोदी जी ने बिहार को दिया। आपकी जानकारी के लिए 3,000 से ज्यादा करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए गए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, 1,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च हुआ है, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च हुआ है। और जब मैं 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर बोलता हूं तो मैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं जो मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री के काल में बिहार में सिर्फ पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं और 14 मेडिकल कॉलेज बिहार में हैं। और आपके औरंगाबाद के लिए भी मेडिकल कॉलेज का रास्ता हमने साफ कर दिया।
किया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसलिए मित्रों अगर मैं बात करूं सड़क की तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए नॉर्मल रोड पर खर्च हुआ है, हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, बिजली पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, रेलवे में 8,870 करोड़ खर्च हुआ है, डिजिटल इंडिया में 490 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और इन सबको अगर छोड़ दे तो उसके अलग से 40,000 करोड़ रुपए बिहार की धरती पर लगा है। यह है हमारा रिकॉर्ड जो मैं आपके सामने रखने आया हूं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। इसलिए मैं आपसे निवेदन भी करने आया कि हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि चुनने वाले लोग अपने यहां कैसा शासन चाहते। आप बताइए कोरोना संक्रमण आया, किसी ने दुनिया में सोचा था कि ऐसा संक्रमण आएगा? अच्छा ये बात सच्ची है कि नहीं कि अमेरिका भी इसके सामने घबरा गया? ये बात सच्ची है कि नहीं कि यूरोप के देश भी जो हमसे स्वास्थ्य में बेहतर थे उनके भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई? लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश समय पर लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया तो नरेंद्र मोदी ने किया और 130 करोड़ की जनता को बताया। और क्या किया लॉकडाउन? मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के अंदर 1600 टेस्टिंग लैब खड़े हुए और पहले 1500 टेस्टिंग होती थी प्रतिदिन, आज 15 लाख टेस्टिंग हो रही है प्रतिदिन। यह ताकत का दाखिल मोदी। उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था कोविड के लिए, आज 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, 4.5 लाख डेडिकेटेड बेड है। और उस समय भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था, आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उस समय हमारे पास पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट विदेश से आता था, हमारे देश में नहीं बनता था। आज प्रतिदिन भारत 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है और दुनिया में भेज रहा है, भारत में भी इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया में भेज रहा है। यह ताकत मोदी जी ने पैदा की। इसके अलावा पैरासीटामोल और एचसीक्यू की दवा 150 देशों तक मोदी जी ने पहुंचाई है। भारत में तो है ही है लेकिन 150 देशों को पहुंचाया, यह काम मोदी जी ने किया है। आप बताइए यह सच है कि नहीं है कि मार्च महीने से लेकर छठ तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप पीछे बताइए, दिया कि नहीं दिया? यह है मोदी जी का किसान के प्रति, गरीब के प्रति, वंचित के प्रति समर्पण। आप बताइए मोदी जी एक समय बोलते थे कि नहीं कि जनधन में खाता खोलो बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो सब लोग बोलते थे कि जनधन में खाता क्यों खोला जाए और हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। यही जनधन खाता लॉकडाउन की अवस्था में न पोस्ट मैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधे सीधे 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। उनके यहां चूल्हा जलने का इंतजाम किया, 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए 3-3 सिलेंडर दिए, दिव्यांग बहनों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए, विधवा बहनों के लिए, वृद्ध भाइयों के लिए 1-1,000 रुपए 3 महीने तक पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए मित्रों याद रखना ये आत्मनिर्भर पैकेज, मैं चाहूंगा राम आधार जी चुनाव जीतेंगे और जब ये चुनाव जीतेंगे तो इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप यहां पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, किसानों का संगठन बनाइए। मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए इंतजार कर रहा है, पैसा उनका होगा, जमीन
चाहिए आप लोग लगाएंगे, क्या चाहिए आप तय करेंगे। कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मंडी चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए जिससे कि आपकी उपज का साधन बढ़ सके। जो तय करना होगा तय किसान करेगा, मोदी जी का पैसा लगेगा और आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मित्रों, बदलते समय को हमको पहचानना चाहिए और उसके साथ हमको अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये बिजली की बात हुई, इन्होंने पूछा हमारे रविशंकर जी ने कि बिजली है गांव में कि नहीं, पूछा कि नहीं पूछा। मित्रों मैं यही पढ़ा हूं, मेरा बचपन यहां गुजरा है। अगर 2 घंटे भी बिजली आ जाती थी ना, 2 घंटे, आप लोगों को याद नहीं होगा, तो हम लोग कहते थे आई आई आई, और जब तक आई आई बोलते थे तब तक गई गई गई। 24 घंटे बिजली का सोच नहीं सकते थे। और किसान उस समय जनरेटर लगा करके अपने पटाई का काम करता था और पंप चलाता था। आज आपके लिए अलग से फीडर लगा है। 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई मोदी जी ने 1,000 दिन के अंदर, 1,000 दिन के अंदर 18,000 गांव। और उसी तरीके से लगभग 2 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाई। आपके यहां 1 करोड़ के, आप 66 लाख के आसपास लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई है। यह काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों अगर मैं बात करूं हमारे स्वच्छ भारत की, तो आपको याद होगा, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि देखिए उजाले का महत्व तो तब होता है जब अंधेरा पता। उजाले के महत्व के साथ साथ ये भी कहूंगा, विकास का महत्व तो तब पता चलता है जब अर्ध विकसित हालत में हम होते हैं, तब हमको पता चलता है कि विकास का महत्व क्या होता है। मित्रों गांव में हमारी माताएं बहने दिन की निवृत्त होने के लिए, दैनिक चर्या से निवृत्त होने के लिए या तो रात का इंतजार करती थी या सुबह होने के सूर्योदय के पहले निकलती थी और झुंड के झुंड निकलती थी। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। मोदी जी ने इज्जत घर दे करके और 1 लाख से ज्यादा इज्जत घर बिहार में दिया है और उसी तरीके से लगभग 22 करोड़ लोगों को इज्जत घर दे करके 100% इज्जत घर देने का काम मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों अगर मैं बात करूं उजाला योजना की, उज्ज्वला योजना की, स्वच्छता अभियान की, आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल के लिए, किसको, गरीब लोगों को, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, हमारे सब्जी बेचने वाला, रैक पिकर जो कूड़ेदान से कूड़ा उठाता है, वो जो गटर से का साफ करता है, वो, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारियों से बचने के लिए 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। इस बात को हमको समझ, बिल्कुल मोदी है तभी मुमकिन है, ये बात आपने बहुत सही। और इसीलिए मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश बदला, देश की तस्वीर बदली। आप बताइए, आप सब लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने? आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे? करोड़ों लोग चाहते थे कि भव्य राम मंदिर बने, करोड़ों लोग। लेकिन याद करो कांग्रेस पार्टी का रविशंकर जी सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में राम मंदिर के लिए पेश होते थे तो वहां कपिल सिब्बल कांग्रेस का वकील क्या बोलता था, मत करो फैसला, मत करो फैसला, फैसला करोगे तो भाजपा को फायदा होगा इसलिए इसका फैसला मत करो, कहा था कि नहीं कहा था। लेकिन आपने मोदी जी को चुनाव जिताया, 303 एमपी पहुंचाए, दिन प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और सर्वसम्मति से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मंदिर बनेगा तो वहीं पर बनेगा। मोदी जी ने शिलान्यास किया, अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, इसको हम लोग ध्यान रखना चाहिए। और ये सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के ये फैसला हुआ है, इस बात को समझना चाहिए। उसी तरीके से आप बताइए, एक
देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, ये हम कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है? कहते थे कि नहीं? लेकिन धारा 370 बीच में अड़ंगा था कि नहीं था? आपने बीजेपी एनडीए को जिताया, मोदी जी को ताकत दी और रविशंकर जी सभी लोगों को आपने जिता करके भेजा, आपने इनकी उंगली में ताकत दी और इन्होंने 6 अगस्त को लोकसभा में वो बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये ताकत आपने दी, इसको आप मान लो। इसलिए मित्रों, कोई भी देश से जुड़ा हुआ विषय आज आप बताइए कि चाहे आकाश हो, चाहे समुद्र जल हो, चाहे थल हो, हमारी सारे बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में सारे बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं है? आपको पता है पिछले 6 साल में मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गलवान तक 4,700 किलोमीटर की 4 लेन वाली सड़क, सारे महीने सारे मौसम चलने वाली सड़क बना करके दे दी है ताकि कभी भी पहुंचना हो बॉर्डर पर तो हमारी सेनाएं बिना देर किए पहुंच सकती है। इस ताकत को उन्होंने किया। उसी तरीके से लगभग 14,000 मीटर के पुल बने, डबल पुल। पहले जो पुल होते थे वो एक तरफ से ट्रैफिक आती थी तो दूसरे तरफ की ट्रैफिक को रोक लेना पड़ता था, अब डबल। और सब जगह अभी पिछले महीने हमारे मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, 9 किलोमीटर की टनल है ये, और ये मनाली से ले जाने में 4.5 घंटे की बचत होती है, 46 किलोमीटर बचता है और 4.5 घंटे बचते हैं मनाली को ले पहुंचने के लिए, इस तरीके की व्यवस्था की। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में तो देश आगे बढ़ ही रहा। बिहार में भी जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी का काम करने का काम शुरू हुआ, तीव्र गति पकड़ी, हर दृष्टि से पकड़ी। चाहे हाईवे ले लो, चाहे आप बिजली ले लो, चाहे सड़क ले लो, चाहे आप कोई विकास के विषय ले लो। मैंने आपके सामने बताया कि मैंने इस छोटे से अवधि में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पहले तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना चल नहीं रहा था उसको चलाया, और दूसरा दरभंगा में मेडिकल कॉलेज भी दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज दिया, साथ में 11 मेडिकल कॉलेज नए दिए, 8 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, ये काम किया। इसलिए विकास की नई गाथा लिखी गई। क्या आप चाहते हैं कि इस गाथा में कोई अड़ंगा आए? आप चाहते हैं कि इस विकास में कोई अड़ंगा आए? अगर आप नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है और वह रास्ता है कि एनडीए के कैंडिडेट्स को आप विजय हासिल कराएं, उनको चुनाव जिताएं, रामाधान जी को भी जिताएं, हम पार्टी को भी जिताएं, वीआईपी को भी जिताएं, जदयू को भी बचाएं, सबको जिताएं, चुनाव इस बात की आपको कोशिश करें। और मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं देखता हूं आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में, या आरजेडी के बारे में, आरजेडी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। मैं सही बोल रहा हूं? गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे? ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। आप बताइए, बिहार पलायन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिहार के लोग बाहर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? किस मुंह से ये आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? अराजकता की हद सुनाऊं आपको? गोपालगंज का डीएम दलित था, कृष्णैया उसका नाम था, गोपालगंज से पटना आ रहा था, गाड़ी से उतार करके उसकी जान ले ली। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। आज का डीजी तो डायरेक्टर जनरल पुलिस है, ये एसपी होता था, शहाबुद्दीन ने इसको गोली मारी थी और गोली मारने के बाद भी दंदनाता रहा। जब नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये करेंगे विकास अराजकता फैलाने वाले? और किससे मिल गए? माले से मिल गए, जो विध्वंस के लिए जाना जाता है। इसी कांड भूल गए, पिपरा कांड भूल गए, क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था, क्या हुआ था? बिहार की बदनामी हुई थी। ये माले लोग
ध्वंस को मूल में रूप में लेकर के चलते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आरजेडी को तो माले ने हाईटेक कर लिया, 19 सीटें वैसे ले ली, 9 सीटें ले ली अपने सहयोगियों के लिए और 12 सीटें आरजेडी में बदलवा ली। ये कहां जाएगा विध्वंस की कहानी। और कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं, आप पूछिए कांग्रेस पार्टी के लोगों से, आप बताइए धारा 370 समाप्त हुई तो दुनिया में देश में भारत के बारे में ये छवि बनी कि नहीं बनी कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है, छवि बनी कि नहीं बनी। और राहुल गांधी ने उस समय उसका विरोध किया था कि नहीं किया था, और जब विरोध किया था तो इमरान खान ने राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में अपील डाली थी कि नहीं डाली थी। यानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के वकील बने, भारत के नहीं। अब आप बताइए शशि थरूर ने अभी लाहौर में भारत की निंदा की कि नहीं की, अभी बताइए उन्होंने भारत की निंदा की कि नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं की। आप बताइए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नहीं कहा कि मोदी जी को हराओ, कहां कहां पाकिस्तान की धरती पर। आप बताइए पी चिदंबरम भारत का गृह मंत्री बोलता है 370 हम वापस लेंगे, वापस लेना है क्या, अगर वापस लेना है क्या बताओ, अगर नहीं लेना है तो याद रखना मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार मजबूत हो, इसकी हमको सोचना पड़ेगा, इस पर हमको काम करना है। और मित्रों में एक बात और बता दूं, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे, नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलेंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। याद रखना एनडीए एक है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही एनडीए है, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए भेद डालने वालों से भी सावधान रहना पड़ेगा, चुनाव को आगे ले जाना है। मैं बिहार का चुनाव देख रहा हूं, मैं माहौल देख रहा हूं, इतनी गर्मी में, इतने धूप में, इतनी बड़ी संख्या में लोग शांत बैठ करके सुन रहे हैं, हर बात को सुन रहे हैं। ये बिहार का राजनीतिक चरित्र है, सब चीजों को समझते हैं तब अपना फैसला लेते हैं, ये ताकत आप में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं मित्रों, सिर्फ रामाधार जी को ही नहीं जिताना है, सबको जिताना है। और आपने वोट सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना, आपने वोट अपने रिश्तेदारों से भी मांगना है, गांव से भी मांगना है, सबसे मांगना है। और 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एक नई उमंग के साथ अगले 5 साल के लिए चलेगा, इस विश्वास के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।